नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा, ओमान सुप्रीम कमेटी ने बहुत ही बड़ा फैसला किया। अगर जो आप ओमान में रहते होंगे तो हो सकता है एक बार आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हो सकता है आने वाले वक्तों में लॉकडाउन भी लगेगा, उसके बारे में भी आप सोच रहे होंगे। ओमान सुप्रीम कमेटी ने जो डिसीजन दिया है, कुछ यहाँ पे प्रतिबंध लगाया है, जो चीज आपसे खासा यहाँ पे ताल्लुकात रखता है, तो क्या है पूरा डिटेल इस वीडियो में शेयर करूंगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि ओमान से लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंचते। तो यहाँ पे देखें तो ओमान सुप्रीम कमेटी ने ये डिसीजन रात के समय लिया, मतलब जब आप एकदम हो सकता है कुछ, क्योंकि यहाँ पे ओमान समय अनुसार देखे तो रात को 10 बजे डिसीजन लिया गया था। ओमान सुप्रीम कमेटी के द्वारा बताया गया था, अगर जो देखे तो महामारी से, क्योंकि यहाँ पे देखे तो ओमान में कोरोना वायरस की संख्या दिन ब दिन बढ़ रहा है। एक एक दिन में देखे तो 1300 केसेस है, जिसका वजह से यहाँ पे देखे तो लाजमी है ओमान सरकार को यहाँ पे कुछ तो प्रतिबंध लगाने ही थी। जबकि देखें यहाँ पे उन्होंने कहा कि जैसे यहाँ पे बताया गया अन्य जैसे सरकारी हो गया, जैसे यहाँ पे देखे गवर्नमेंट सेक्टर हो गया या प्राइवेट सेक्टर में, यहाँ पे सभी बताया गया कि यहाँ पे जो जिसमें 100% वर्क हुआ था करता था, अब उसको 50% की यहाँ पे मतलब अनुमति दी गई, 50% कैपेसिटी के साथ ही वो ऑपरेट कर रहे हैं, कर सकते हैं, जो मतलब इस समय ओमान सुप्रीम कमेटी ने नया डिसीजन दिया। साथ ही यहाँ पे बता दें कि जुमे का नमाज अब नहीं होगा। जी हाँ, दिन में मतलब जो फ्राइडे प्रेयर था उसको ओमान सुप्रीम कमेटी ने बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखे तो बताया गया है कि जैसे जो 5 वक्त का नमाज हुआ करता था उसमें 50% कैपेसिटी के साथ ऑपरेट करेंगे, बाकी मतलब 100% नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो मतलब बताया गया सामान्य में सार्वजनिक स्थानों पे मास्क का सभी का मतलब जैसे मतलब जो इवेंट थे वो सब मतलब देखें तो यहाँ पे मतलब कैंसिल ऑलरेडी हो चुके हैं। 50% कैपेसिटी हो गया, होटल हो गया, कैफे हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, इनको यहाँ पे बताया गया कि 50% कैपेसिटी के साथ ही आप ऑपरेट कर सकते हैं। जो देखें तो इस महामारी से निपटने के लिए ओमान सुप्रीम कमेटी ने ये डिसीजन लिया है। तो ये थी अपडेट, वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।